हेलो गेमर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर वीडियो। कैसे हो भाई सब? कैसे होपफुली सब अच्छे होंगे। सो गाइज, आपको पता है अपने चैनल पे गेमिंग से रिलेटेड कंटेंट बिल्कुल रेगुलर मैं डालता रहता हूँ, बट गाइज आज थोड़ा सा अलग वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। एक्चुअली इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ एक फ्री वॉलपेपर इंजन के बारे में, जिसका यूज करके भाई आप अपने डेस्कटॉप की लुक भाई नेक्स्ट लेवल कर सकते हो, या फिर आप जैसे मैंने अपना डेस्कटॉप ऑप्टिमाइज करके रखा आप वैसे भी कर सकते हो गाइज। तो ठीक है, बिल्कुल फ्री है वॉलपेपर इंजन एंड आपको स्टीम पे मिल रहा है, सबसे अच्छी बात यह है। सो गाइज वीडियो को कम्प्लीट देख लेना एंड गाइज चैनल पे जो भी नहीं हो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना एंड चलो जल्दी से अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेके चलता हूँ मैं अपने स्टीम लॉन्चर पे। तो गाइज आपको यहाँ पे सर्च करना होगा अपने स्टीम लॉन्चर पे वॉलपेपर अलाइव, यहाँ पे सर्च करना है एंड आपको यहाँ पे वॉलपेपर अलाइव फ्री देखने को मिल जाएगा। इसका आपको एक डीएलसी भी मिल जाएगा, आप चाहो तो 42 रुपीज का ये भी परचेज कर सकते हो, कोई ज्यादा महंगा है नहीं, बट आप इसका फ्री वाला भी यूज कर सकते हो, फ्री वाला भी आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देगा। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे आप देखो यहाँ पे बिल्कुल फ्री टू प्ले है, जस्ट इसको आपको क्लिक करना है एंड अपनी लाइब्रेरी में एड कर लेना है। साइज भी बहुत कम है, 250 MB इसने क्वाइट स्पेस मुझसे मांगा है, तो मैं इसको नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेता हूँ। एंड गाइज ये जब डाउनलोड होगा ना तो इसका साइज 75 MB के आसपास है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो लाइब्रेरी में चलते हैं एंड देखो अपना जो वॉलपेपर इंजन है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो गाइज इसको डाउनलोड होने देते हैं एंड उसके बाद आपको मैं बताता हूँ इसको यूज कैसे करना है। सो गाइज डाउनलोड हो गया भाई अपना वॉलपेपर इंजन एंड इसको करते हैं हम लॉन्च। और लॉन्च करोगे तो गाइज जब आप फर्स्ट टाइम लॉन्च करोगे ना तो आप यहाँ पे लॉन्च वॉलपेपर अलाइव करना एंड जब उसके बाद आपको अपना कोई वॉलपेपर चेंज करना होगा तो आप इस सेकंड ऑप्शन के साथ जा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले लॉन्च पेपर अलाइव मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूं, तो इसको लॉन्च कर देता हूं। तो गाइस यहां पे देखो यहां पे मेरा लाइव वॉलपेपर यहां पे सेट हो चुका है और ये लाइव वॉलपेपर मैंने टेस्टिंग के लिए वीडियो बनाने से पहले एक बार डेस्कटॉप पे लगाया था, इसलिए ऑटोमेटिकली यहां पे आ गया, बट आपको सेट करना पड़ेगा। आप कैसे सेट करोगे आपको वो मैं दिखा देता हूं। ठीक है, तो मैं फिर से अपने स्टीम लॉन्चर पे चलता हूं एंड इसको स्टॉप कर देता हूं और इसको मैं दोबारा से लॉन्च कर लेता हूं। जैसे ही मैं इसको दोबारा से लॉन्च करूंगा मुझको सेम ऑप्शन फिर से आएगा एंड अब आपको मैं अपना वॉलपेपर यहां पे चेंज करके दिखाऊंगा। तो फिर से यहां पे लॉन्च किया एंड लॉन्च कॉन्फिगरेटर मेन्यू पे यहां पे आपको क्लिक करना, इसके लिए आप एक ये शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो Ctrl Alt + C। ठीक, बट हमने यहाँ से डायरेक्ट कर लिया तो कोई बात नहीं, इसको लॉन्च कर लेते हैं एंड लॉन्च करने के बाद अब आपको कुछ ऐसा यहाँ पे सीन दिखाई मिलेगा। जब आप फर्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल करके लॉन्च करोगे आपको भी यही सीन दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे ऑल स्क्रीन सेट कर देना है, उसके बाद यहाँ पे आप फिट स्क्रीन साइज कर देना, मतलब ताकि वॉलपेपर आपके पूरे स्क्रीन पे आए एंड आप यहाँ पे म्यूट ऑडियो कर सकते हो अगर आपको बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं चाहिए तो, क्योंकि कुछ है लाइव वॉलपेपर में ना बैकग्राउंड म्यूजिक भी होता है। ठीक है, अगर आपको लाइव वॉलपेपर का बैकग्राउंड म्यूजिक एंजॉय करना है तो आप इसको मत टिक करना, अगर आपको नहीं चाहिए तो इसको टिक कर सकते हो। ठीक है, और इसको ऑटो स्टार्ट वॉलपेपर लाइव ऑन बूट कर सकते हो, इससे क्या होगा कि जैसे ही आपका पीसी स्टार्ट होगा वैसे ही आपका वॉलपेपर इंजन ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा और आपके स्क्रीन पे आपको लाइव वॉलपेपर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ और ये म्यूट ऑडियो आपको रखना है रखो, नहीं रखना है मत रखो, इनका क्या काम है मैंने वो आपको बता दिया। ठीक है, अब वॉलपेपर कैसे सेट करना है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको ना कस्टम वॉलपेपर आप यहाँ पे आपके लगा सकते हो। एक्चुअली ना इस वॉलपेपर इंजन की अपनी कोई लाइब्रेरी नहीं है, बट यहाँ पे आपको ये टोटली कस्टमाइज वॉलपेपर लगाने का चांस देता है। तो अगर आपके पास कोई भी कस्टम वॉलपेपर है आप यहाँ पे लगा सकते हो, जैसे मैंने असैसिन क्रीड वाला लगाया हुआ है तो ये कस्टम वॉलपेपर था एंड जैसे कि ये गाड़ी वाला वॉलपेपर मैंने डाउनलोड किया हुआ था तो इसको मैं यहाँ पे लगा के अपडेट डेस्कटॉप कर देता हूँ। तो आप देखो ये वॉलपेपर मेरा यहाँ भी सेट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने लाइव वॉलपेपर अपने डेस्कटॉप पे लगा सकते हो। एंड अब क्वेश्चन ये है कि आप ये लाइव वॉलपेपर डाउनलोड कैसे करोगे, आपको मिलेंगे कहाँ, तो आपको वो चीज भी मैं बताऊंगा एंड आपको मैं एक और वॉलपेपर चेंज करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने काफी सारे लाइव वॉलपेपर मैं यूज करता रहता हूँ तो मेरे पास काफी है। तो जैसे मैंने एक ब्लैक पैंथर का डाउनलोड करके रखा हुआ है, ये मैंने अलग से डाउनलोड किए हुए, इंटरनेट पे मिल जाते हैं और आपको यूट्यूब पे भी मिल जाते हैं। तो जैसे इसको मैं अपडेट करूंगा तो आप देखो ये मेरा ब्लैक पैंथर का वॉलपेपर भाई क्या ही लग रहा है, मतलब है ना। तो इस तरीके से आप भाई अपने कस्टम लाइव वॉलपेपर अपने पीसी पे सेट कर सकते हो। अब ये वॉलपेपर आपको कैसे मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे आपको मैं वो भी बता देता हूँ। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो आप यहाँ पे जो वॉलपेपर का यहाँ पे बटन देख रहे हो आप इस पे क्लिक करके और यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो आपके पास कुछ ऐसा विंडो आएगा एंड आपको यहाँ पे ना ये दो लिंक देखने को मिलेंगे, माई लाइव वॉलपेपर्स एंड वॉलपेपर वेफू। ठीक है, तो आप इन दोनों पे क्लिक कर सकते हो, जैसे मैं वन बाय वन आपको दोनों पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे मुझे कंटिन्यू टू एक्सटर्नल साइट करना पड़ेगा एंड यहाँ भी करना पड़ेगा, तो दोनों वेबसाइटों को मैंने ओपन कर लिया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो लिस्ट ऑफ लाइव वॉलपेपर मेरे पास आ चुके हैं, सारे के सारे वॉलपेपर लाइव है। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट किसी भी वॉलपेपर को डाउनलोड करके और अपने डेस्कटॉप पे सेट कर सकता हूँ। जैसे आप देख सकते हो मैंने असैसिन क्रीड का वॉलपेपर यहीं से डाउनलोड किया था जो मैंने लगा रखा था। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से आपको यहाँ पे वॉलपेपर डाउनलोड करने, जैसे ये वॉलपेपर मैंने लगाया हुआ था
भी डेस्कटॉप स्क्रीन पे, तो मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लूंगा। इसका साइज है 40 MB, ठीक है। इसको डाउनलोड करके और अपना कस्टम तरीके से मैं इसको अपने डेस्कटॉप पे सेट कर लूंगा। एंड सेम सीन आपका इस दूसरी वेबसाइट का भी रहेगा। यहाँ पे आपको दूसरे तरीके के वॉल पेपर मिल जाएंगे, जैसे थोड़े से अनाइम वाले वॉल पेपर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अलग अलग कैटेगरी आप यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे गेम्स कर लिया है। तो ये सारे आपको यहाँ पे कस्टम वॉल पेपर मिलेंगे और बिल्कुल मतलब फ्री मिलेंगे आपको, यहाँ पे कोई किसी को पैसा नहीं देना है। तो आपको जो भी पसंद हो आप वो वॉल पेपर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ये एक वॉल पेपर है, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे भी मेरे को डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको डाउनलोड करके एंड कस्टम तरीके से अपने वॉल पेपर इंजन के थ्रू सेट कर सकता हूँ। तो गाइस कुछ इस तरीके से वॉल पेपर इंजन काम करता है। एंड इसके अलावा एक और तरीका है जिससे आप कस्टम वॉल पेपर निकाल सकते हो। तो आप सीधा ना यूट्यूब पे जाओ एंड यूट्यूब पे आप सर्च कर लो अपने किसी भी फेवरेट गेम्स या फिर कोई भी आपका करेक्टर है, कोई सेलिब्रिटी है, कोई लैंडस्केप व्यू है, कुछ भी, ठीक है। आप नेचर के रिगार्डिंग देख सकते हो, जैसा भी आपको वॉल पेपर चाहिए उसके रिगार्डिंग आप YT पे सर्च कर सकते हो। जैसे मेरे को मार्वल से रिलेटेड कोई वॉल पेपर चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा मार्वल लाइव वॉल पेपर, ठीक है। आपको ऐसे सर्च करना है और आपको यहाँ पे देखो वॉल पेपर देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप देखो यहाँ पे भाई मेरे को ये कैप्टन अमेरिका का वॉल पेपर मिल गया है, यहाँ पे स्पाइडी का मिल गया है, ये अपना थोर हैमर मिल गया भाई, ये देखो बिल्कुल लाइव वॉल पेपर है। तो सिंपली इस वीडियो को मैं डाउनलोड कर लूंगा, ये एक तरीके का शॉर्ट वीडियो ही है और यही हमारा लाइव वॉल पेपर होता है, ठीक है। तो इसको मैं डाउनलोड कर लूंगा एंड गाइस फिर मैं सिंपली कस्टम तरीके से अपने वॉल पेपर को यहाँ पे सेट कर लूंगा। तो गाइस कुछ इस तरीके से वॉल पेपर इंजन आपके लिए काम करेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड काफी अच्छे से वर्क करता है। एंड गाइस सच में डेस्कटॉप की भाई अलग ही लुक आती है जब हम इस तरीके के लाइव वॉल पेपर अपने डेस्कटॉप पीसी पे सेट करते हैं। तो गाइस इस तरीके से भाई आप भी सेट कर सकते हो। एंड गाइस अगर आप मेरी तरह अपना डॉक सेट करना चाहते हो, जैसे मैंने अपना यहाँ पे डॉक सेट किया हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी चैनल पे वीडियो बहुत पहले डाल चुका हूँ, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन में भी डाल दूंगा, आप चेक कर लेना। होपफुली आपको यार वीडियो अच्छी लगी होगी एंड इन्फॉर्मेशनल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यार बिल्कुल लाइक करना एंड चैनल पे नए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।